आओ चले कश्मीर की ग्रेट लेक्स ट्रेक पर, ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखरों की छाया में आकाश से मिलती हुई झीलों को छू लेंगे पाँव। प्रकृति के आदर्शों का होगा साक्षात्कार, हर कदम पर दिखेगा उनका प्यार। हरा भरा मैदान जितना आखिर होता है अंतर, वनवासी प्रकृति बन जाएगी हमारी अंतर्विहीन बात। चुनौती भरी यात्रा के साथ उठेगा आकर्षण का पर्दा, दर्शक बनेंगे इस कश्मीरी श्रृंगार के, प्रकृति की गोद में छुपे सौंदर्य के प्रेमी अभिनय के। यह ट्रैक है कश्मीर की महिमा का प्रतीक, आओ मिलकर बनाए यादें ऐसी जो अमर बने। खो जाएंगे हम इस यात्रा में अपने आप को, संग ले जाएंगे आपको एक नई दुनिया की ओर सफर बनाने। तो गाइस, डे वन पर हम श्रीनगर से सोनमर्ग हमारे बेस कैंप पे पहुंच गए, जो कि सीतकड़ी विलेज में सिंध रिवर के पास था। गाइस लुक एट द व्यू। तो बेस कैंप पे पहुंचने के बाद हम सबका इंट्रोडक्शन हुआ, हमने हमारे डिस्क्लेमर फॉर्म पे साइन की और हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए। So on a second day, we are ready to embark on a quest to discover India's prettiest trek, the Kashmir Great Lakes Trek. और साथ ही में हम ये भी जानेंगे कि क्या ये ट्रेक वास्तव में भारत का सबसे सुंदर ट्रेक है। As we continue our journey of the KGL trek, we reach a significant point along with the trail on an army checkpoint. Respectfully, we present our ID proofs, recognize the importance of their duty and sacrifices they make to ensure our safety. जैसे जैसे हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, शानदार पीक्स और उनकी बर्फ से ढकी हुई शिखा सूर्य किरणों में चमकती हुई हमें दिखाई देती है। The range of landscape make it a moderate to difficult trek spanning over 6 days. This means it has long trekking days with steep ascents and descents. हमें रोज हमारा लंच हमारे टिफिन बॉक्स में पैक करके दिया जाता था और हमारी इनक्रेडिबल जर्नी के दौरान नेचर के अंगन में बैठ के हम हमारा लंच एंजॉय करते थे और साथ ही में थोड़ा सा रेस्ट करके फिर से हमारी जर्नी स्टार्ट करते थे। हम रोज हमारी जर्नी स्टार्ट करने से पहले वार्म अप और रूटीन ऑक्सीजन लेवल चेक करते थे। तो आज ट्रैक का थर्ड डे है और हमें विशनसर लेक पर पहुंचना है, तो वहां पर हमारी कैंप साइट भी है। तो आज हम 12 किलोमीटर की जर्नी करने वाले हैं। तो गाइस, आज के ट्रैक का अल्टीट्यूड ऐसा है कि हमें 11,000 फीट से होकर 13,000 फीट तक चढ़ाई करनी है और वहाँ से फिर से 12,000 फीट तक हमें नीचे आना है। प्रत्येक दिन यहाँ पोस्टकार्ड सा सुंदर होता है, जहाँ हमें एक नई एल्पलाइन झील की प्रतीक्षा होती है। इस जर्नी को और भी सुंदर बनाने वाली चीज है यह स्नो पैचेस। हर बीते हुए पल के साथ हमें यह रियलाइज हो जाता था कि यह अनदेखा नहीं किया जा सकता। यह एक्सपीरियंस अनडिनाइबली सबसे सुंदर ट्रैक है जिस पर हमने कदम रखा है। Each step unravel a new vista, painting a picture of unparalleled beauty.
एंड फाइनली 12 किलोमीटर की ट्रेल करके हम विशनसर लेक पर पहुंच जाते हैं। विशनसर लेक एक स्पार्कलिंग जेम की तरह दिखती है, ऊपर स्वर्ग की सुंदरता को प्रतिबिंबित करती हुई। नए दिन की नई शुरुआत। तो गाइस, आज हमारा ट्रेक का टफेस्ट डे है। आज हमें 14 किलोमीटर की ट्रेक करनी है। तो आज हम दिल को छूने वाली विशनसर लेक को पीछे छोड़कर हमारी केजीएल ट्रेक की अगली डेस्टिनेशन गड़सर की ओर निकल पड़ते हैं। तो अभी हम किशनसर लेक पर पहुंच चुके हैं और गाइस, यहां से हमारी जर्नी एक थ्रिलिंग टर्न लेने वाली है। हमें इस शानदार पहाड़ी की चुनौती का सामना करना है। वाव, ऊपर से तो किशनसर लेक का नजारा कितना खूबसूरत लग रहा है। तो मिलकर हम इस ऊंचाई पर चढ़ते हैं एंड शेयर्ड गोल्स ऑफ रीचिंग द समिट ऑफ दिस मैजेस्टिक माउंटेन। और आज हम गड़सर पास पहुंच चुके हैं जो कि 13,700 फीट ऊपर है। आप पीछे का नज़ारा देखो कितना मस्त है। Are you ready, guys? Yes, yes sir! How's the job? Yes, sir! Ukkalela! Ukkalela! Arti kitumba! Arti kitumba! Maza maza maza! Maza maza maza! E wala, bi wala, hu wala! E wala, bi wala, hu wala! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत डिफिकल्ट था, फाइनली हमने कर दिखाया। और एक्चुअल ठंड यहीं फील हुई है। हाईएस्ट लेवल ऑफ आवर ट्रेकिंग 13,700 फीट। नाउ वी आर नियर टू क्रॉस इट एंड द टफेस्ट पॉइंट। टफेस्ट पॉइंट। यहाँ पे विंड भी काफी तेज चल रही है, इसलिए ज्यादा ही ठंड लग रही है। कश्मीरी कावा ऑथेंटिक। गरम गरम मैगी कैसा लग रहा है? बहुत अमेजिंग। तो इस स्नोई लैंडस्केप के बीच हम सब लोग उत्साह भरी स्नो स्लाइडिंग करते हैं और हमारे आगे की जर्नी पर निकल पड़ते हैं। जैसे जैसे हम गड़सर पास उतर के आगे बढ़ते हैं, वैसे वैसे अवर आईज आर ट्रीटेड टू अ डिलाइटफुल साइट। सुंदर हरियाली भरे मैदानों पर फैली हुई छोटे छोटे और रंगीन फूलों की चादर देख के दिल खुश हो गया। तो थोड़ा और चलने के बाद हम पहुंच जाते हैं ब्यूटीफुल गड़सर लेक पर। जब हम इसे नजदीक से देखते हैं तो हमें एक सुकून भरा एहसास होता है, जैसे इस लेक की मौजूदगी में समय रुक गया हो। यह लेक आधी जम चुकी है तो और भी सुंदर लग रही है। नए दिन की नई शुरुआत। तो हम अपने आप को इस ब्यूटीफुल नेचर के बीच वार्म अप करके नेक्स्ट एडवेंचर के लिए रेडी होते हैं। केजीएल ट्रेक हिमालय के पॉपुलर ट्रेक की कंपेयर में कम भीड़ और पीसफुल एक्सपीरियंस देता है। ये ट्रेक हमें हरे भरे मैदान, डेंस फॉरेस्ट, स्नो कैप पीक एंड चार्मिंग वैली से हमें ले जाता है।
एक्चुअली ट्रेडिशनल ट्रेक्स के स्टार्टिंग के कुछ दिनों में पहाड़ के सबसे ऊंचे शिखर की ओर चढ़ाई होती है और फिर धीरे धीरे नीचे आना होता है, लेकिन केजीएल ट्रैक पर अल्टरनेटिव एसेंट्स और डिसेंट्स होते हैं और हर दिन एक नए पास को चढ़ के और एक नई वैली में एंटर करते हैं। One of the most cherished aspect of my life is embarking on the KGL trek alongside with my life partner and also feel so grateful to be here. तो फ्रेंड्स आज हमारा ट्रेक का फोर्थ डे है। आज ये फिफ्थ डे भी हो सकता था अगर हमने थर्ड डे को बफर डे ले चुके होते, पर वेदर कंडीशन अच्छी थी इसलिए हमने रेस्ट डे नहीं लिया। केजल ट्रैक में आपको सुंदर सुंदर लेक्स तो देखने को मिलेगी, उसके साथ आपको बर्फ से चलने का मौका भी मिलेगा और स्नो स्लाइडिंग भी करने को मिलेगी, सुंदर सुंदर वैलीज दिखेगी। तो ये ट्रैक बहुत ही खूबसूरत है और आज हमें बहुत अच्छे से वैली दिख रही है और वहाँ पे क्लाउडी भी है, थोड़ी थोड़ी धूप भी खिल रही है, तो बहुत मस्त लग रहा है। अच्छा भी है और चैलेंजिंग भी है, मालूम पड़ रहा है कि हमारा फिटनेस लेवल क्या है। सो ब्यूटीफुल ईच एंड एवरी डे, सो अमेजिंग। ये मेरा थर्ड ट्रैक है कश्मीर ग्रेट लेक्स, जो कि कश्मीर में आता है और कहा जाता है कि इंडिया का बेस्ट और ब्यूटीफुल ट्रैक है और इसमें कोई भी डाउट नहीं, जो भी यहाँ आता है आपको वही कहेगा, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पे एक नई चीज़ देखने को मिलेगी और आप फर्स्ट डे पे इतना खुश हो जाओगे आपको लगेगा ये ब्यूटीफुल नहीं, लेकिन आपको सेकंड डे पे और अच्छा मिलेगा, थर्ड डे पे जाओ और अच्छा मिलेगा, आपको यहाँ पे ब्यूटीफुल लेक्स मिलेंगे। आप अगर अर्ली आते हो तो आपको हाफ फ्रोजन लेक्स मिलेंगे, ये आधा सा पार्ट स्नो कवर्ड भी है तो आपको लगेगा कि आपको फील आएगा आप स्नो ट्रैक कर रहे हो। यहाँ पे कम्प्लीटली ग्रीन है तो आपको यहाँ पे हरियाली हरियाली मिलेगी, यहाँ पे रिवर्स है, वैलीज है, माउंटेंस है, तो इट्स वेरी ब्यूटीफुल ट्रैक। गाइस देखो दोपहर के 4 बजे है और वेदर देखो कितना फॉगी हुआ है। सो लंच करने के बाद वी आर हेडिंग आउट टुवर्ड्स द सरसर लेक। तो गाइस सिक्स डे की शुरुआत करते ही हमें यह लॉन्ग स्क्रैच ऑफ बोल्डर्स क्रॉस करना होता है। दिस पार्ट ऑफ द जर्नी डिमांड्स अ केयरफुल स्टेप्स एंड स्टेडी फुटिंग। तो आज भी हमें स्नो पैचेस के ऊपर से चलना है। इस ट्रेकिंग के स्टार्टिंग डे से आज तक एक भी दिन ऐसा नहीं गया कि हम लोग स्नो पैचेस से चले नहीं। सो हियर आर द ट्विन लेक्स कॉल्ड नंदकोल एंड गंगबल लेक। तो हम लोग गंगबल लेक की ओर नीचे उतरने वाले हैं और आज की हमारी कैंप साइट नंदकोल लेक के पास है। हम वाकई में इस पृथ्वी के स्वर्गीय स्थल के लिए ग्रेटफुल है जो हमारे देश का एक गर्वशाली हिस्सा है।
जिस ऊंचाई से हम नंद कोल एंड गंगबल लेक को देख पा रहे थे वो था जर्ज पास। तो अभी हम जर्ज पास से उतर के हमारे ट्रेक का जो सबसे बड़ा लेक है गंगबल लेक वो देखने वाले हैं। तो गाइस बारिश भी स्टार्ट हो गई तो इस रिवर के उस पार है हमारी कैंप साइट, तो हमें इस रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा। हम केजीएल ट्रेक के एनचेंटिंग लैंडस्केप्स थ्रू सफ़र करते हैं तो हमें एक रियलाइज़ हो जाता है कि इन मेस्मराइजिंग अल्पाइन लेक के साथ यह स्पष्ट हो जाता है कि इस ट्रेक ने भारत का सबसे सुंदर ट्रेक कहा जाने वाला प्रेस्टिजियस टाइटल अर्न किया है। नाउ वी ट्रूली अंडरस्टैंड व्हाई द केजीएल ट्रेक इज हेल्ड एज अ इंडियाज़ प्रीटीएस्ट ट्रेक। गाइस तो आज हमारे ट्रेक का लास्ट डे है और सुबह से बहुत बारिश चल रही है तो ट्रेल भी बहुत स्लिपरी हुआ है। तो आज हमें 15 किलोमीटर की जर्नी करके हम नारनाक पहुंचने वाले हैं, तो वहां से हम जाएंगे श्रीनगर। तो हमारी केजीएल ट्रेक की जर्नी यहीं पर ख़त्म होती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। अंटिल नेक्स्ट टाइम हैप्पी एक्सप्लोरिंग।